Hey guys, welcome back to our channel, our crazy reactions. If you're new to this channel, hi, my name is Vidanshu. And my name is Subdeep. So, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं ये कुकिंग वीडियो होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इस वीडियो का टाइटल है फ्रूट सैलेड कलरफुल हेल्दी फ्रूट्स मिक्स्ड सैलेड रेसिपी. तो ये विलेज कुकिंग चैनल पे इसका ये चैनल है और इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें. काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं ये और हमें ये किसी ने सजेस्ट की थी कि इस पे आप रिएक्शन दे, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं ये और देखते हैं. उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और फूडीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी वीडियो है, कैसा सैलेड बनाते हैं और क्या क्या फूड डालते हैं. स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट. ये चैनल मुझे काफी पसंद है. வெயில் கிதமா ஆரோக்கியமான பல கலவை செம்மையா நடுக்குறோம் பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புக்கி எல்லாரும் வாங்க. ஆல் எஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. அச்சா பहले अपनी लैंग्वेज में बोला होगा. हां ड्रैगन फ्रूट. हां स्ट्रॉबेरी. बड़े वाह कर रहे भी वो एकदम वहां पे खेतों में जाके कर रहे हैं. एप्पल ऑरेंज है शायद. ऑरेंजेस हैं. हाँ संतरे हिंदी में बोले तो. हमारे यहाँ भी ज़्यादा येलो होते हैं. देसी आम है ये. नाशपति तो सब में खा रहा है वो. कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स. ये अंगूर ब्लैक वाले ब्लूबेरीज बोलते हैं. इंग्लिश में ब्लूबेरीज बोलते हैं ना. पता नहीं मुझे नहीं पता. लीची लीची है ना. हाँ ये कर रहे हैं खा रहे हैं. पर ये चावल हैं पर आम पढ़े सोते के माँ बड़े तक अच्छी तो साप्ता अम्मा पावर पढ़ा मरी चलोगे अम्मा उठा सोते कोड़ा माँ बड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा. साप्ता उनको पावर मिलती है इससे. वैसे मैंगो काफी पसंद है हमें भी. हाँ मेरा फेवरेट मैंगो. आओ कुछ नहीं करता है उठ के आया. क्या खा रहे हैं. चलो लंच हो गया अब करेंगे. मस्कमेलन खरबूजा और ये वाटरमेलन. कैसे काट रहे हैं. सही तरीका ना. हम नहीं कहा सीधा ऐसे ऐसे काटते हैं और फिर ऐसे निकालते हैं नीचे से. ओ वाओ ऐसे काटेंगे हम इस बार. हाँ देखो पीसेस हो गए अच्छे से. हाँ एकदम स्क्वायर में काटे हैं सभी एक जैसे. अच्छा ये भी इन्होंने ऐसे काटा है पहले बाहर का वो निकाल के. कितनी मेहनत कर रहे हैं फ्रूट छीलने में. कितनी मेहनत लगती है. पपीता पपीता मुझे नहीं पसंद. पपीता मुझे भी नहीं. खा लेता हूँ मैं पर पसंद नहीं है. तुम्हें जितना बाकी फ्रूट्स पसंद है. पाइनएप्पल ये काटना काफी मुश्किल होता है. इतनी मेहनत लगती है. और क्या ये कैसे काटते हैं देखते हैं. इनके चाकू भी बड़े हैं. हाँ. हमने भी ऐसे काटा था लेकिन कुछ बचा ही नहीं उसका. वाह इनका कितना अच्छा लग रहा है. इसके अंदर भी होता है अंदर वाला भी निकालना पड़ता है. हाँ ये निकालना पड़ता है.
अच्छा लग रहा है कटा हुआ, टेस्टी होता है लेकिन। हाँ होता टेस्टी है। खाने लगा था। ये ड्रैगन फ्रूट ये कभी नहीं खाया मैंने। हमारे यहाँ होता है, मिलता है, मिलता तो होगा। हाँ मार्केट में मिलता तो होगा, पर हमने देखा नहीं, मैंने मार्केट में भी नहीं देखा है। ये कभी नहीं खाया। सही है ना ऐसे? देखो कचालू लग रहे। ये वो लग रहा है डाइस। ये क्या मैंगो? बनाना। ये रेंडर डाल। खाना मत, खाना मत। ये रे नहीं अपड़े नहीं किए रे रेंडर इंदम नहीं किए। हम चलो कितना फ्रूट है ना, हम बनाते दो या तीन डालते हैं बस। हाँ। फ्रूट सैलेड बन गया। घर पे थोड़ी लाते हैं इतना एक साथ। और ये हर एक टाइप का कीवी, कीवी। ये काफी पसंद है मुझे। ये खजूर है। கலப்படை இல்லாத பேரிச்சம்பழம் அப்படியே மரத்துல புடுங்களதோட கொத்தோட இருக்கு। खजूर भी डाल रहे हैं वो भी काट के। ठीक है स्ट्रॉबेरी से वाह यार मैंने सपोर्ट किया इतना हेल्दी फ्रूट सैलेड। खेत भी दिखा रहे हैं खेतों में। ये राइस लगे हुए हैं। हाँ धान। अब ये क्या है? अमरूद। लीची। इतनी मेहनत कर रहे हैं देख। लीची को छीलो एंड बीज निकालो उसका। मैं तो छिलते छिलते खाई जाऊँ। अंगूर। अनार। कितना कुछ डाला ना इन्होंने। हम ऐसे करने से बोलते निकल जाते हैं सारे। हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे ऐसे करके छीलते हैं क्या करके। ऑरेंजेस। एप्पल। वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। एक बड़ा कंटेनर होगा ये किसमें डालेंगे सारा? मेरे ख्याल से बड़े कंटेनर में डालेंगे ये। एप्पल पलम। अच्छा एप्पल। हाँ कितना बड़ा पतीला है। अन्नासी पलम। अन्नासी पलम नहीं 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 एप्पल मिक्स कर रहे हैं। पेरी कोई क्या? पियर। कीरेनी पलम। नाशपती। मस्त पलम। पच्चत्राचे। पप्पाली पलम। पपीता। कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल। लंगन पलम। लीची। लीची फ्रूट बोलते हैं इसको। लोगन फ्रूट लिखा था। ऑरेंज पलम। ऑरेंज। ऑरेंज को ऑरेंज ही बोलते हैं इनकी भाषा में। संतरा बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ। संतरा होता है किन्नू होता है। अत्ती पलम। क्या? वाली पलम। ये क्या था? बनाना। बनाना। इससे पहले वाला समझ नहीं आया मुझे क्या था वो। सपोटा पलम। क्या? तवड़म। कीवी पड़म। कीवी। माम पड़म। कीवी पड़म। पड़म मतलब तरबूज नहीं पड़म। तरबूज डालना। कितना सही लग रहा है। ड्रैगन फ्रूट। यार कितना कलरफुल है। ब्लू बेरी नहीं डाली। डालेंगे डालेंगे। मादले मुत्तकल। अनार। पनीर त्राचे। अच्छा लग रहा है। ग्रेट। वाह यार कलर ही कितने अच्छे लग रहे हैं। पेरिचम्बलम। वो पहले क्या डाला था फिर? पहले क्या था एक दो चीजें अंदर मिक्स कर दी।
हनी तेल क्यों डालेंगे इसमें? वाह यार हनी भी डालते हैं, हनी से क्या होगा ये एकदम स्मूथ हो जाएगा है ना। वो आप खाएंगे? मत खाना यार, सूट देख के ना यम्मी लग रहा है, हमारे सामने मत खाना। ओ कैसे कट्टे खा रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया हमारा। मैं तो चुन चुन के अपना फेवरेट फ्रूट खाऊं। सारे एक मेरे को पपाया नहीं पसंद बीच में, बस बाकी सब पसंद है। ऑरेंज पड़ा, ऑरेंज पड़ा, पपाली पड़ा, ये पपाया, लंगन पड़ा, ये पता है मजा मजा साफ रहे हैं, हाँ उरी की मजा पट चलते हैं। गलत बात है भाई, ये कहाँ कौन सी स्टेट, मेरे ख्याल से कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये? तेलुगु எல்லா பழத்தோட சுவையும் ஒண்ணா சேர்ந்து கமெண்ட் கரே மாதிரி இருக்கும், அதுல தேனே சேக்கும் வேற லெவல்ல இருக்கு। ते बाकी कहाँ खाएंगे, बाकी क्या करेंगे? अच्छा बांटेंगे। ओह अच्छा अच्छा, ये ऑर्फनेज में या वहाँ पे वृद्धाश्रम में जाके बांट रहे हैं ना? हाँ। नहीं ये थोड़े वो हाँ वही है लग रहे मुझे। बहुत स्वाद है, स्वादिष्ट है, और नीडी पीपल है ना। हाँ। काफी अच्छा स्टेप है ये। अच्छी बात है, ओल्ड एज होम ट्रस्ट। अच्छा ओल्ड एज होम, वाह यार पहली बार फ्रूट्स को भी देख के मुंह में इतना पानी आ रहा था ना, और इतना अच्छी तरीके, और हर एक फ्रूट डाल रहा था, हर एक फ्रूट। और कोई ऐसा फ्रूट नहीं जो नहीं डाला था, अगर आपको पता है तो उसे कमेंट। एक हमें नहीं पता लगा कि वो डेट्स जिसमें हमने बोला डेट्स, वो डेट्स बाद में डाली उन्होंने, पर वो क्या था? और इनमें से मैंने एक ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया है। हाँ। बाकी सब खाए हैं, सभी खाए हैं, बाकी एक ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया हमने, और वो हमारे यहाँ मतलब मुश्किल से ही अगर मिलता होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे आम बाजार में हमारे यहाँ पे देखा नहीं है। हाँ। और मिलता होगा तो वो स्पेशली कोई पैक करके आता होगा कहीं से, मंगवाते होंगे, पर मैंने नहीं खाया कभी। ट्राई करेंगे। और हमारे यहाँ जो शादियों में भी जो फ्रूट सैलेड होता है उसमें भी खींच के चार या पांच चीजें होती हैं। हाँ, वो अलग अलग रखा होता है अपनी मर्जी से डाल। हाँ, उसमें ग्रेप्स होते हैं, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स हो गया, वो अमरूद, ऑरेंजेस, और ये पांच छह चीजें होती हैं बस। हाँ, और मेरे को लगा उसमें डालेंगे मसाला, चाट मसाला। हाँ, इन्होंने हनी डाला बस खा ली, पर वो अच्छा लगता होगा। हाँ। मुझे लगा होगा कि वो अच्छा होगा क्योंकि हनी डाल के वो एकदम स्वीट होगा। हाँ। होगा, पर इतना ज्यादा भी हनी नहीं डाला, थोड़ा सा डाला जिससे वो स्वीट हो गया वो काफी, और खाने में मजा आ रहा होगा, और हनी भी एक किस्म का अच्छा ही होता है। और हम तो इतना ज्यादा चाट मसाला डाल के वो फिर खाते हैं वो तो इतना नहीं रहता क्योंकि उसमें हम नमक डालते हैं। हाँ। मिर्च डालते हैं और पता नहीं क्या क्या, पुदीने की वो कूट पुदीना वगैरह वो डालते हैं फिर उसके साथ खाते हैं, पर इसका इनका मुझे काफी अच्छा लगा। हम भी ऐसा बनाएंगे कभी, ट्राई करेंगे, और भी खाने वाली वीडियोस देखेंगे। हाँ, इनकी हम और भी वीडियोस देखेंगे, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो हमें। और एक और चैनल भी बता मुझे, वो ग्रैंड मा का है, दादी वहाँ पे खाना बनाते हैं, विलेज की दादी। देखेंगे अब अगर आप हमें करें सजेस्ट कौन सी वीडियो देखें, और हमें काफी पसंद आई ये वीडियो, आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।